वैसे तुम यहाँ समरविल में क्या कर रहे हो? सच कहूँ तो मॉम बताती नहीं है, पर अब हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। और जो एक चीज हमारे नाम में बची है वो है ये डरावना घर जो मेरे दादाजी यहाँ छोड़ गए हैं। पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बस ऐसे ही। क्या था वो? मुझे नहीं पता। पता नहीं कैसे, पर ऐसा शहर जो टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास भी नहीं आता, यहाँ ना कोई फ्रैकिंग है और ना ही कोई लाउड म्यूजिक है, तब भी ये रोज हिलता है। टेबल के नीचे अभी। हे, याद है वो समर जब हम टेबल के नीचे मर गए थे? मुझे ये अपने लिविंग रूम में मिला। वाह, ये तो काफी खतरनाक प्रतिरूप है। प्रतिरूप क्या? वही जो भूत पकड़ता है। देखा जाए तो इन 30 सालों में किसी ने कोई भूत नहीं देखा। 80 के दशक में न्यूयॉर्क की हालत पद से पत्तर हो चुकी थी। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कभी नहीं बताया? मेरे डैड नहीं है, मेरे दादाजी अब नहीं रहे। मॉम कहते हैं कि हम यहाँ पे उनका बचा कुचा सामान लेने आए हैं। क्या बात है, तुम हो कौन? तुम चाहे तो इसे तकदीर कहो, किस्मत कहो, या फिर कर्मा, पर मैं मानता हूं कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। कम ऑन मेरी जान, क्या वो गनर सीट्स है? हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।